नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत भारत का भूगोल टॉपिक के अंतर्गत जो हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, उसमें हमने हिमालय के दो भाग कर लिए, सर्वोच्च हिमालय और मध्य हिमालय। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे जो हिमालय का तीसरी श्रेणी है, शिवालिक हिमालय, उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम शिवालिक हिमालय। इस शिवालिक हिमालय को ही दोस्तों कहा जाता है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय दोस्तों हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, हिमालय की सबसे निचली श्रेणी, या हम कहें दक्षिणी श्रेणी, सबसे निचली या दक्षिणी श्रेणी है। हिमालय के अंतर्गत हमने पढ़ा सबसे पहले सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में हमने पढ़ा मध्य हिमालय को। मध्य हिमालय के दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। दूसरा, शिवालिक हिमालय की विशेषता क्या है कि जो हिमालय की तीन श्रेणियां हैं उसमें हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी, सबसे नवीन श्रेणी, तो हिमालय की जो सबसे नई श्रेणी है, जिसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के सबसे बाद में हुआ है, वह सबसे नवीन श्रेणी है। और सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है हिमालय की? शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि यह विरल अवस्था में है। विरल अवस्था में है। विरल अवस्था का मतलब क्या है कि यह कौन सी श्रेणी है जो श्रृंखलाबद्ध नहीं है, जो विरल अवस्था में है, कटी फटी है, लगातार एक जैसी नहीं है, तो वह कौन सी श्रेणी है? शिवालिक श्रेणी है। जबकि जब हम सर्वोच्च हिमालय और मध्य हिमालय को पढ़ते हैं तो वह श्रृंखलाबद्ध है, लगातार है, अनवरत है, जबकि यह विरल अवस्था में है, कटी फटी है, इस तरह है, लगातार श्रृंखलाबद्ध नहीं है, तो वो भी कौन सी श्रेणी है? शिवालिक श्रेणी है, यह श्रृंखलाबद्ध नहीं है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि मेप के आधार पर इसे शिवालिक श्रेणी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो किस किस नाम से जाना जाता है वो हम देखते हैं। तो अगर हम भारत का सामान्य एक मेप जो है वो बनाते हैं और इसके अंतर्गत अपने समझने का, इसे मेप के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो भूगोल है दोस्तों वो लगभग इसी तरह समझ आएगा। मैं यहां केवल शिवालिक श्रेणी को ड्रॉ करूंगा अकेला। ये दोस्तों शिवालिक श्रेणी है, मान लो इस तरह, ये शिवालिक श्रेणी है। इस शिवालिक श्रेणी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र में इसे किस किस नाम से जाना जाता है उसका हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो जम्मू कश्मीर है, यहां इसे कहते हैं जम्मू की पहाड़ियां, जम्मू की पहाड़ियां, यानी जम्मू हिल्स। कश्मीर क्षेत्र में, जम्मू क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? जम्मू की पहाड़ियां या जम्मू हिल्स कहा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों इस क्षेत्र की, उत्तराखंड, इस उत्तराखंड क्षेत्र में इसे कहा जाता है धांग, या इसी को ही कहा जाता है दोस्तों दूधवा की पहाड़ियां, धांग या दूधवा की पहाड़ियां कहा जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें कि इसे नेपाल क्षेत्र में क्या कहते हैं, नेपाल में, तो नेपाल में इन्हें कहा जाता है दोस्तों चूड़िया घाट की पहाड़ियां,
चूड़िया घाट। तो नेपाल में इन्हें चूड़िया घाट के नाम से जाना जाता है। अगर हम इन्हीं की बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो यह अरुणाचल प्रदेश में कुछ इस रूप में फैली है। इस तरह जो चारों ही हैं वो अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है दाफला या दाफला, एक ही बात है, अबोर, मिसमी, और मेरी। ये चारों ही कहां पर हैं? तो ये चारों ही हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब दोबारा सुनिए कि जो शिवालिक पहाड़ियां हैं, जो शिवालिक श्रेणी है या शिवालिक पहाड़ियां, ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। इन्हें जम्मू कश्मीर क्षेत्र में क्या कहा जाता है? जम्मू की पहाड़ियां। इन्हें उत्तराखंड क्षेत्र में कहा जाता है धांग या दूधवा। इन्हें नेपाल में कहा जाता है चूड़िया घाट। इन्हें अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है मिरी, मिसमी, अबोर और डाफला की पहाड़ियां। मिरी, मिसमी, अबोर और डाफला की पहाड़ियां। तो इन्हें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यह श्रृंखलाबद्ध भाग जो है हिमालय का वो नहीं है। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, गिरिपद में है। अब जो हमने क्षेत्र किए थे कि एक क्षेत्र से दूसरे को बांटने वाले, उसके आधार पर हम देखें तो इस शिवालिक श्रेणी के उत्तर में जो श्रेणी है वो श्रेणी है हमारी मध्य हिमालय। शिवालिक के उत्तर में जो है वो है मध्य हिमालय। इस मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच का क्षेत्र है, यहां पर कहा जाता है कि प्राचीन समय में झीलों का निर्माण हुआ और नदियों की गाद से वो धीरे धीरे झीलें जो है भर गई और वो धीरे धीरे समतल घाटियों में बदल गई। जो समतल घाटियों वाला ये जो क्षेत्र है, यहां भी चावल की कृषि की जाती है। इन घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इस मध्य हिमालय क्षेत्र और शिवालिक के मध्य जो घाटियां पाई जाती हैं, इन्हें पूर्व में कहते हैं द्वार। पूर्व में कहा जाता है द्वार, जैसे हरिद्वार, निहांग द्वार, हरिद्वार या निहांग द्वार। तथा इन्हीं घाटियों को पश्चिम में कहा जाता है दून, जैसे पाटली दून, कोटली दून, देहरादून आदि। हम यहां पढ़ रहे हैं दोस्तों कि शिवालिक श्रेणी है, उसको हमने पढ़ा। शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत शिवालिक और मध्य श्रेणी में जो बीच में पाई जाती हैं घाटियां, उन घाटियों को पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहा जाता है। जैसे हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था कि मध्य हिमालय और सर्वोच्च हिमालय के बीच में पाए जाते हैं कोमल घास के शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान, जिन्हें पूर्व में बुग्याल या प्याल कहा जाता है और पश्चिम में इन्हें कश्मीर क्षेत्र में मर्ग कहा जाता है। यह हमने कल पढ़ा था। अब हम इन श्रेणियों को एक दूसरे से अलग करने वाली जो श्रेणियां हैं, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो मैं एक ही नक्शे में आपको बता देता हूं। तो अपने उसको, आपका कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक बड़े मार्कर से इसको ड्रॉ करता हूं, ट्रांस हिमालय को। ये क्षेत्र है दोस्तों ट्रांस हिमालय। मैं एक ही श्रेणी बना रहा हूं इसकी, बाकी श्रेणियां हमने पढ़ी हुई है। ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद में दोस्तों दूसरा मैंने बनाया है हिमालय की श्रेणी सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय के बाद में हम देखते हैं
मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद में हम देखते हैं शिवालिक हिमालय। समझने के लिए अपने बनाया। अब देखिए दोस्तों कि जो हम सबसे पहले बात करें कि हमने ये वाला जो क्षेत्र है ये नाम है ट्रांस हिमालय, इसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र है ट्रांस हिमालय। ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है दोस्तों सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में यह क्षेत्र कहलाता है मध्य या लघु हिमालय। और यह क्षेत्र कहलाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। अब कौन सा क्षेत्र किसको अलग करता है वो मैं लिख रहा हूं, वो ध्यान रखिए। ट्रांस हिमालय को सर्वोच्च हिमालय से अलग करने वाला यह जो क्षेत्र है, मैं तीर का निशान लगा रहा हूं यहां, यह क्षेत्र कहलाता है दोस्तों इंडो सांगपो सच्चर जोन। इंडो सांगपो सच्चर जोन कहलाता है। ट्रांस हिमालय और सर्वोच्च हिमालय को अलग करने वाला क्षेत्र इंडो सांगपो सच्चर जोन कहलाता है। सर्वोच्च हिमालय व मध्य हिमालय के बीच में दोनों को अलग करने वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश। मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहा जाता है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य का जो क्षेत्र है, इस मध्य क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करने वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मुख्य, इसी को क्या कहते हैं, मुख्य सीमांत भ्रंश। सीमांत भ्रंश। तो आपको समझ आई होगी बात कि ट्रांस हिमालय और सर्वोच्च हिमालय के जो मध्य का क्षेत्र है, बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है, ये वाला जो बीच वाला क्षेत्र है ये कहलाता है इंडो सांगपो सच्चर जोन। सर्वोच्च और मध्य हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाता, इसके अलग करने वाला क्षेत्र है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को बीच से अलग करने वाला क्षेत्र है मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो आप सभी है, इसको मैंने एक साथ आपको बता दिया, आप अपने कोई डाउट हो तो उनको क्लियर कर लीजिए। ये हमारा हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो पूरी हुई। अब इस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जो पूर्व का पर्वतीय प्रदेश है, जहां जो पहाड़ियां हैं जिनको हम पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश का ही क्या है, भाग है। तुम्हारी हेडिंग है पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां, अगर हम पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करें तो पूर्वांचल की पहाड़ियों के अंतर्गत पूर्वांचल के सबसे पहले तो हमें जो जो शामिल राज्य हैं पूर्वांचल में उनकी बेसिक जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। देखो दोस्तों, पूर्वांचल के बारे में एक शब्द आता है सेवन सिस्टर, सात बहने। सात बहने, पूर्व में सात बहने किसे कहा जाता है? तो पूर्व में जो सात बहने हैं वो कौन कौन सी हैं? तो उनमें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, उसमें आता है असम,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो पूर्व की जो सात बहनें हैं दोस्तों, उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इनको शामिल किया जाता है। इन्हें बोलते हैं सेवन सिस्टर। ये पूर्व की सात बहनें कहलाती हैं। किसको शामिल नहीं किया जाता? तो ऑप्शन के आधार पर अधिकतर जो प्रश्न आता है उसके अंतर्गत आता है सिक्किम। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसे शामिल नहीं किया जाता है? सिक्किम को शामिल नहीं किया जाता। ये यहां पड़ता है सिक्किम। इसको छोड़कर और बाकी ये जो एरिया है, इस क्षेत्र में आने वाले जो सात राज्य हैं उन्हें पूर्व की सात बहनें कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इस पूर्वांचल क्षेत्र में जो पहाड़ियां हैं उनमें कौन कौन सी हैं? जैसे हमने शिवालिक क्षेत्र में अरुणाचल में पहाड़ियां पढ़ ली थी जो उसके उत्तर में है। पूर्वांचल की पहाड़ियां किसे कहते हैं? हिमालय की वे पहाड़ियां जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हैं, उन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। इन पूर्वांचल पहाड़ियों के अंतर्गत सबसे पहले आती है, उनका मैं जिक्र करूंगा, तो सबसे पहले यहां आती है कौन सी पहाड़ियां? पटकाई बूम। सबसे पहले पहाड़ियां आती हैं वो आती हैं पटकाई बूम, पटकाई बूम। पटकाई बूम पड़ती है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई बूम पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई बूम के बाद में जो दूसरी पहाड़ियां हैं वो कहलाती हैं नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी, इस नागा पहाड़ी का संबंध है नागालैंड से और इसकी सबसे ऊंची चोटी है सरावती। सबसे ऊंची चोटी नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सरावती है। इसके बाद हम बात करें नागा पहाड़ियों के बाद में, फिर आता है दोस्तों मणिपुर की पहाड़ियां। मणिपुर की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कहां पर है, मणिपुर में है। मणिपुर की पहाड़ियों का संबंध है मणिपुर से। इसके पास आता है, बाद में आता है पूर्व में मिजो पहाड़ी। मिजो पहाड़ी, जो मिजो पहाड़ियां हैं ये पड़ती हैं दोस्तों मिजोरम में, मिजोरम। और इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी वो है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है। मिजो पहाड़ियों को नागा पहाड़ियों से अलग करने वाली जो श्रेणी है इसे कहा जाता है दोस्तों ब्राइल श्रेणी। ब्राइल श्रेणी, जो ब्राइल श्रेणी है वो मिजो पहाड़ियों को नागा पहाड़ियों से अलग करती है। मिजो पहाड़ियों को नागा पहाड़ियों से अलग करती है, यानी दक्षिण और उत्तर का भेद करती है, तो ब्राइल श्रेणी है। इसके अलावा जो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं पहले से दोस्तों, जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं वो ऊपर से देखें तो हम अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी भाग है यहां फैली जो पहाड़ियां हैं इनको कहते हैं पटकाई बूम की पहाड़ियां। इसके दक्षिण में जो नागालैंड राज्य है यहां पहाड़ी फैली है उसे नागा पहाड़ियां कहते हैं, जिनकी सबसे ऊंची चोटी है सरावती। इसके दक्षिण की जो पहाड़ियां मणिपुर में फैली है उसे मणिपुर की पहाड़ियां कहा जाता है। उसके बाद में जो सबसे दक्षिण में फैली पहाड़ियां हैं पूर्वोत्तर में वो है मिजो पहाड़ी, जिसे जिसकी सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। तो इनको बोलते हैं पटकाई बूम, नागा, मणि, मिजो। पटकाई बूम, नागा, मणि, मिजो,
ये इस तरह क्रमबद्ध पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, तो उनका भी आप ध्यान रखें। जैसे हमने पढ़ा डावला, अबोर, मिरी, मिसमी, तो ये शिवालिक की क्या है, श्रेणियां हैं, उसके नाम हैं अरुणाचल प्रदेश में, जबकि वह पूर्वांचल की पहाड़ियों के अंतर्गत नहीं आती। पूर्वांचल की पहाड़ियों में आप इन पहाड़ियों को पढ़ेंगे, पटकाईबूम, नागा, मिजो, मणि, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो एक पर्वत है दोस्तों, जो भारत के पूर्व में यहां एक देश पड़ता है, इस क्षेत्र में भारत के बिल्कुल पूर्व में है, वह देश दोस्तों बर्मा, जिसे हम कहते हैं म्यांमार। यहां एक पर्वत फैला है दोस्तों, जिसका नाम है अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो म्यांमार का अराकान योमा पर्वत है जो यहां फैला हुआ है, यह भी किसका भाग है, यह भी हिमालय का ही भाग है, यह भी हिमालय का ही भाग है। कालांतर में कहा जाता है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में फैली हुई सुलेमान हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो सर्वोच्च मध्य और शिवालिक हिमालय वाली श्रेणियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां, अराकान योमा पर्वत, ये जो सब हैं वो किसका भाग माने जाते हैं, हिमालय का। जबकि कुछ जो भूगोल वेता है वो तो ये भी कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो भी हमारे द्वीप फैले हुए हैं, उन द्वीपों तक हिमालय का प्राचीन काल में प्रसार था, बाद में ये मध्य समुद्री क्षेत्र से कट फट गए, आज ये पहाड़ियां यहां तक रह गई। तो वर्तमान में जो इसका प्रसार है भारत के उत्तर पूर्व में है, जबकि इससे पहले पूर्व में यह पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण की ओर भी फैला हुआ था। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, ये पूर्वांचल की पहाड़ियां कहलाती हैं। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, जो पूर्वांचल की पहाड़ियों के बाद में हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, जो नदियों के आधार पर किया गया है, हम उसको पढ़ते हैं। तो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय का प्रादेशिक यानी प्रदेश के आधार पर प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय का प्रादेशिक जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर डिवाइडेशन किए गए हैं। इस भाग से जो प्रश्न है वो अधिक पूछे जाते हैं। मैं एक सिंपल वे में यहां आपको बताने का प्रयास करता हूं। आप मान लीजिए भारत के उत्तर पूर्व से यह फैला हुआ है हिमालय, उत्तर से पूर्व की ओर यह क्या फैला हुआ है, हिमालय, इस तरह पूर्व की ओर, पूर्व की ओर यह अधिक पतला है जबकि पश्चिम की ओर यह अधिक चौड़ा है। पांच नदियां जो हैं वो हिमालय का यह जो प्रादेशिक वर्गीकरण है इसको तय करती हैं। अलग अलग नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है उसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। किस किस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं तो उसकी बात करते हैं। सबसे पश्चिम में बात करें अगर हम, तो यहां नदी है दोस्तों, वो है सिंधु नदी, यहां नदी है सिंधु नदी, और सिंधु नदी से लेकर जो सतलज नदी तक का क्षेत्र है, सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों पंजाब व कश्मीर हिमालय, पंजाब व कश्मीर हिमालय। यह मुख्यतः पंजाब और कश्मीर में फैला है। सिंधु से लेकर सतलुज नदी तक का जो एरिया है वो कहलाता है पंजाब व कश्मीर हिमालय, जिसकी जो लंबाई है वो है 560 किलोमीटर की, जिसकी लंबाई है 560 किलोमीटर की। इसके बाद हम बात करें तो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का क्षेत्र, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का क्षेत्र जो है यह कहलाता है दोस्तों कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय।
जो मुख्यतः जो है उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, कुमायू हिमालय में। इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 320 किलोमीटर, इसकी जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। कुमायू हिमालय के पश्चात काली नदी से लेकर, जो बात करें पूर्व में तिस्ता नदी तक का क्षेत्र है, काली से लेकर जो तिस्ता नदी तक का क्षेत्र है वो कहलाता है दोस्तों नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। यह जो दोस्तों लगभग 800 किलोमीटर फैला हुआ है, काली नदी से तिस्ता नदी के मध्य जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। लगभग 800 किलोमीटर फैला हुआ है, मुख्यतः यह नेपाल में विस्तृत है। इसके बाद हम बात करें तिस्ता नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र, या ब्रह्मपुत्र को हम कह देते हैं दिहांग, ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी तक का जो एरिया है यह क्षेत्र कहलाता है दोस्तों असम हिमालय, असम हिमालय, जिसकी लंबाई है 720 किलोमीटर की, जिसकी लंबाई है 720 किलोमीटर की। तो दोस्तों यह है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, किसके आधार पर है, नदियों के आधार पर है। अगर हम विभाजन को देखें तो यह पश्चिम से, यह हिमालय का कौन सा हिस्सा है, पश्चिम भाग है, हिमालय का पश्चिमी भाग है, और यह हिमालय का पूर्वी क्षेत्र है, हिमालय का पूर्वी क्षेत्र है। पश्चिम से हिमालय अधिक चौड़ा है, इसीलिए इधर से हमने इसको चौड़ा बनाया है, पूर्व की ओर यह क्या होता जाता है, संकरा हो जाता है। अगर जैसे पूछे कि सर्वाधिक हिमालय की चौड़ाई कहां पर है, तो भारत में जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत, या हम कहें जम्मू कश्मीर और पंजाब क्षेत्र में चौड़ाई अधिक है। सबसे कम ऊंचाई और सबसे कम चौड़ाई कहां है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम ऊंचाई है और सबसे कम चौड़ाई है। सर्वाधिक ऊंचाई कहां है, नेपाल हिमालय में सर्वाधिक ऊंचाई है। प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर हिमालय का कौन सा भाग सबसे अधिक लंबा है, तो सबसे अधिक लंबा है नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। दो नंबर पर बात करें तो आता है असम हिमालय, नंबर तीन पर बात करें तो आता है पंजाब और कश्मीर हिमालय, और नंबर चार पर आता है कुमायू हिमालय। तो प्रादेशिक आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर आपसे इसका आरोही या अवरोही क्रम जो है लंबाई के आधार पर पूछा जा सकता है। आपको क्या है कि ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा जो क्षेत्र है वो इसके किस किस के अंतर्गत आता है, किस नदी से किस नदी तक का क्षेत्र हिमालय का क्या कहलाता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इसे, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वह पंजाब व कश्मीर हिमालय कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई है 560 किलोमीटर। अगर हम सतलज नदी से पूर्व की ओर चलें तो सतलज नदी से काली नदी तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है कुमायू हिमालय, लगभग 320 किलोमीटर फैला हुआ है और मुख्यतः इसका अधिक भाग उत्तराखंड में है। इससे पूर्व की ओर चलें तो वो क्षेत्र कहलाता है नेपाल हिमालय, जो 800 किलोमीटर लंबा है और काली नदी से तिस्ता नदी के मध्य फैला है। तिस्ता ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। इसके बाद और पूर्व में चलें तो जो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है वह कहलाता है असम हिमालय, जो लगभग तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य फैला हुआ है और यह लगभग 720 किलोमीटर क्या है, लंबा है। तो यहां तक आपको हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण जो है वो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंतर्गत हम हिमालय की विशेषताएं पढ़ते हुए और हिमालय के पश्चात दूसरे भौतिक प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन करेंगे। आप अपने कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दें, आपका कोई प्रश्न है जो आपको समझ नहीं आया या आप कोई अन्य प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक
शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो समय पर उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।